अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरा नाम है असदुल्ला और आप देख रहे हैं YouTube चैनल दी AIOU। उम्मीद है तमाम फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अपनी पॉलिसी के अंदर एक और नया जो कानून है, एक और जो नई शिक है वो डालती है, जो कि बेसिकली मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यूनिवर्सिटी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तफसील क्या है आज की स्टडी के अंदर आपको गाइड किया जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल सब्सक्राइब कर देना है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट करते हो अपनी वीडियो को शुरू। तो बेसिकली ये जो अपडेट आई है ये BS 2 साल जो कि यूनिवर्सिटी ने नया प्रोग्राम निकाला है उसके हवाले से आई है। तो इतलात के मुताबिक ये था कि जिन स्टूडेंट्स ने BA BCom एसोसिएट डिग्री किया हुआ है वो आगे BS 2 साल प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेंगे, जिन्होंने BA BCom जनरल किया हुआ है वो BS 2.5साल प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेंगे। लेकिन इसको भी आप यूनिवर्सिटी ने चेंज कर दिया है। जो स्टूडेंट्स BA BCom जनरल किया हुआ है और BA BCom एसोसिएट डिग्री किया हुआ है वो BS 2 साल प्रोग्राम के अंदर एडमिशन नहीं लेंगे बल्कि BS 2.5साल प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेंगे। तो BS 2 साल प्रोग्राम के अंदर कौन लोग एडमिशन लेंगे, BS 2 साल प्रोग्राम के अंदर वो स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे जिन्होंने एसोसिएट डिग्री किसी सब्जेक्ट के साथ की होगी। यहाँ पर आपने बात को समझना है कि एसोसिएट डिग्री स्पेशल किसी सब्जेक्ट के साथ अगर आपने की हुई है तो फिर आप BS 2 साल प्रोग्राम के अंदर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी स्टूडेंट्स ने एसोसिएट डिग्री इन पार्क स्टडी की हो, यानी कि ADE इन पार्क स्टडी, वो फिर आगे BS 2 साल प्रोग्राम के अंदर पार्क स्टडी में ही कंटिन्यू कर सकता है। जिस स्टूडेंट ने ADE इन इंग्लिश किया हुआ है, एसोसिएट डिग्री इन इंग्लिश प्रोग्राम, वो आगे फिर BS 2 साल प्रोग्राम के अंदर इंग्लिश को ही कंटिन्यू करेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने BA BCom एसोसिएट डिग्री किया हुआ है वो BS 2 साल प्रोग्राम नहीं बल्कि BS 2.5साल प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेंगे। होप मैंने आपको सही समझाया होगा कि BA BCom जनरल जिन्होंने किया हुआ है, BA BCom एसोसिएट डिग्री जिन्होंने किया हुआ है, जिन्होंने सिंपल एसोसिएट डिग्री किया हुआ है वो BS 2.5साल प्रोग्राम के अंदर 2.5साल प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेंगे। और जिन्होंने एसोसिएट डिग्री किसी स्पेशल सब्जेक्ट के साथ किया हो, यानी कि एसोसिएट डिग्री इन पाक स्टडी, एसोसिएट डिग्री इन इस्लामिक स्टडी, एसोसिएट डिग्री इन इंग्लिश, एसोसिएट डिग्री इन अरेबिक, वो BS 2 साल प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेंगे और उसी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेंगे जिसमें उन्होंने एसोसिएट डिग्री की हुई। यानी कि अगर आपने एसोसिएट डिग्री इन इंग्लिश किया हुआ है तो आप आगे BS इंग्लिश करेंगे, BS उर्दू नहीं कर सकते। तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से पॉलिसी जो है वो समझाई गई है। बेसिकली ये होना चाहिए था कि जिन्होंने BA BCom एसोसिएट डिग्री की हुई है वो भी BS 2 साल प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लें, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप लोगों को BS 2.5साल प्रोग्राम के अंदर भी एडमिशन लेना पड़ेगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।